स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेपः संताप पापहानाय चेति ध्वस्त प्रज्ञानं पंचलिंगानि जाड्ये। वेद को प्रमाण मानना, जगत का कोई कर्ता ईश्वर है इस पर विश्वास करना, वर्ण और आश्रम मानना और स्नान से धर्म होता है इस पर विश्वास करना और शरीर को कष्ट देने से व्रत उपवास करने से पुण्य होता है इस पर विश्वास करना, जिनकी प्रज्ञा ध्वस्त हो गई है उनकी जड़ता के ये पांच चिन्ह हैं, ऐसा वो कहता था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों ने तीर्थ यात्रा करना छोड़ दिया, गंगा स्नान करना छोड़ दिया, अब कोई भी सत्कर्म अब करना बंद हो गया। परिणाम ये हुआ कि आज जैसे उत्तर का व्यक्ति दक्षिण जाता है, दक्षिण का व्यक्ति उत्तर आता है, उत्तर में बद्रीनाथ है तो दक्षिण में रामेश्वर है, पूर्व में परशुराम कुंड है, पश्चिम में द्वारका है, लोग यात्रा करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, पवित्र तीर्थों में जाते हैं, वो सब बंद हो जाता, वर्ण आश्रम न रहता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न होते तो कर्मकांड कौन करता, तो वो सब का सब बंद हो गया था। तो भगवान शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने वेदों के प्रमाण को सीखा, तो ऐसा हो गया था कि उस समय भारत में अनेकों राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे और वहाँ के राजा थे, और उस समय राजाओं का भी एक राजा सम्राट हुआ करता था, वो सब राजाओं के ऊपर होता था, उसको सार्वभौम कहते थे। तो जिस समय भगवान शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ उस समय का सार्वभौम राजा था सुधन्वा, सुधन्वा राजा था, उज्जैन उसकी राजधानी थी और वो सनातन धर्म को मानने वाला परिवार था, और छोटे छोटे जो राज परिवार थे वो सब बौद्ध हो चुके थे, क्योंकि राज्याश्रय से ही धर्म पनपता है। आप देखिए जब ये शास्त्री, क्या नाम था उनका शास्त्री जी का, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने सोमवार का व्रत रहना शुरू कर दिया, तो बहुत से लोग रहने लगे। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता वैसी प्रजा हो जाती है, तो राजा बौद्ध हो गया तो प्रजा भी बौद्ध हो गई थी। तो सुधन्वा राजा जो था उसके दरबार में भी बौद्ध लोग बैठ गए थे, और वो भी अब बौद्ध होने वाला था। कुमारीर भट्ट नाम का एक ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण स्नान करके हाथ में पूजा की थाली देकर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जा रहा था, रास्ते में राजा सुधन्वा का महल पड़ा, और राजा सुधन्वा बौद्ध मत की दीक्षा लेने वाला था, उसकी जो बेटी थी वो धर्म को मानने वाली थी, वो चिंतित हो रही थी, तो अपने महल के छत पर वो भ्रमण कर रही थी, किं करोमि क्व गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति, क्या करूं कहाँ जाऊं,
वेदों का उद्धार कौन करेगा, उसके आंसू टपके। तो महल की छत से आंसू टपक कर कुमारेर की छाती में पड़े। उसने ऊपर देखा, ये राजपुत्री कह रही है क्या करूं, कहां जाऊं, वेदों का उद्धार कौन करेगा। तो कुमारी भट्ट ने आश्वस्त किया, मां सोच श्री राजपुत्री थम भट्टा अस्तारियों में उतरे, हे राजपुत्री तू शोक मत कर, मैं भट्टाचार्य हूं। तो भगवान महाकाल का पूजन करके और भोजन करके राजा सुधन्वा की सभा में कुमारी भट्ट गए। वहाँ पर वेदों का उपहास हो रहा था, लोग अरे वेदों में क्या रखा है, ये है वो है। तो वहाँ भी जाके कुमारी भट्ट बैठ गए। इतने में कोयल ने कुहू 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 ये शब्द किया, तो कुमारी ने अन्योक्ति कहा, मरे नहीं चेन संगते नीचे ही काक कुलई पिक सुतिधूषक निर्धारदयी श्लाघनीय श्लाघनीय तदा भवे। अरे कोकिल, कोकिल को कह के असल में उनको कह रहे हैं राजा को कि ये जो मडिन नीच काक कुल है इसका अगर तेरा संग न होता, मरे नहीं चेन संगते नीचे ही काक कुड़े पिक, इनमें से ये जैन भी बौद्धों की शाखा है, ये लोग भी स्नान नहीं करते, दतवन नहीं करते, वो सबसे ऊंचा माना जाता है जिसके दांत में पैसा चिपक जाए। तो ये अत्यंत मलिन रहते हैं और स्थिति दूषक निर्धारदयी, कौआ जो होता है वो काँव काँव करके कान में दूषण उत्पन्न करता है। तो ये भी ऐसे अप्रिय वचन सुनाते हैं कि सुना नहीं जाता। तो बोले कि हे पिक, पिक कौन, राजा सुधन्वा, और काक कुल कौन है, ये जो बैठे हैं यहाँ कुछ जगम्बर हैं, कोई पट्टी बांधे हैं, कोई कुछ किए हैं, कुछ किए, ये सब बैठे हैं, इनके संग तेरा इसका संग न होता तो तेरी बड़ी प्रशंसा होती, क्योंकि ये तो हमेशा अभक्ष भक्षण करते हैं, शौच स्नान आदि से दूर रहते हैं, और इनके शब्द भी बड़े कर्कश हैं, इसलिए इनका संग छोड़। तो उन्होंने समझ लिया कि ये पंडित जो है वैदिक है और ये हम लोगों के ऊपर व्यंग कर रहा है, तो उन्होंने शास्त्रार्थ प्रारंभ कर दिया। अब दोनों का शास्त्रार्थ होने लगा, वो कहें वेदा प्रमाणम, वो कहें वेदा प्रमाणम, तो अपने अपने पक्ष में तर्क दिए जाने लगे। राजा सुधन्वा की समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उतना बड़ा पंडित नहीं था। तो उसने कहा कि महाराज हमको अब ये तो समझ में नहीं आता है, एक बांस की पिटारी में उसने सांप रख के सभा में आकर कहा, बताओ इसमें क्या है, इस पिटारी के भीतर क्या है, जिसकी बात सच होगी हम उसी का मत मानेंगे। तो वो लोग तो घर बाहर रहते ही थे, उनके शिष्य लोग राजा के महल में भी रहते थे, राजा ने सांप बुलाया, पिटारी बुलाई, उसमें रखा, उनको पहले ही पता लग गया। तो उन्होंने कहा कि हम बताएंगे क्या।